Good morning, students. As you all know that we have completed the unit 1 revision. So today we are going to start the unit 2 revision in Alga, that is sharing the planet with plants. In this we will start with the word families. Do you know what are word families? Yes. Word families are those which have combinations of same words or we can say same sounds. उन वर्ड्स को हम वर्ड फैमिली बोलेंगे जिनमें सेम कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होगा या फिर साउंड्स का होगा. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द एड वर्ड फैमिली, दैट इज एडी वर्ड फैमिली. डैड, डी ए डी डैड, पी ए डी पैट. इन दिस यू कैन सी दैट एडी आर कॉमन, दे हैव द सेम कॉम्बिनेशन. एम ए डी मैड, एस ए डी सैड, D A D bad, L A D lad, F A D fad, and T A D tad. So these are the combination of same words or we can say same letters which have the same sounds. Unki sounds bhi same hai. Now read the sentences below. My friend is sad. I feel bad. I love my dad. What is on the pad? There is a lad. When I'm reading these sentences, you can feel that they are having the same sounds. Unki same sounds hai. So these are called word family. In like this only an word family we have man, van, pan, fan, ban, can, tan, ran, and many more. Now I can read the sentences below. You can also read after me. Can you see the moon? I see a van. Repeat after me. I see a van. There is a can. There is a can. She has a pen. The dog ran away. Students, you all have to read these sentences. Now, at word family. What are at word families? H-A-T hat, M-A-T mat, R-A-T rat, F-A-T fat, S-A-T sat, T-A-T pat, C-A-T cat, and B-A-T bat. Now you can read the sentences below. I see a cat. The cat is a fat. I pat the cat. There is a blue mat. A rat sat on the mat. Okay students, now we will read one story. Why we love trees? हमें trees को क्यों love करना चाहिए? It is written by Komal Ramchandani. Trees gives us sweet fruits. Trees हमको sweet fruits देते हैं. Rahul likes eating fruits. Rahul को बहुत अच्छा लगता है fruits को eat करना. Don't you? आपको पसंद नहीं है? Trees gives us shade. Trees में हमको शेड देते हैं, मतलब छांव. Seema likes resting in the shade. Seema को शेड में रेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है. Don't you? आपको पसंद है? Yes, I know that you all love trees. Okay. Trees gives us paper. Trees से हमको पेपर मिलते हैं. मोहन लाइक्स टू राइट ऑन पेपर. मोहन को पेपर पे लिखना बहुत अच्छा लगता है. डोंट यू? आपको भी अच्छा लगता है ना? ट्रीज गिव्स अस कॉटन. ट्रीज हमको कॉटन देती है. पूजा लाइक्स वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स. पूजा को कॉटन क्लोथ्स बहुत पसंद है. डोंट यू? आपको. आई नो दैट यू ऑल लव कॉटन क्लोथ्स. ट्रीज आर ग्रेट. ट्रीज बहुत अच्छे होते हैं. वी ऑल से हम सब कहते हैं. डोंट यू एग्री? आप सब भी एग्री करते हैं ना मेरे साथ? गुड. ओके, वोकैबुलरी वर्ड्स दैट वी हैव लर्न टुडे आर ट्रीज, ईटिंग, शेड, वेयरिंग पेपर, राइट, कॉटन क्लोथ, एग्री. So students, you all have to learn all these vocabulary words with their meanings. आपको उनके meanings के साथ इन words को learn करना है. And you also have to write in your notebooks. All word meanings अपने notebook में लिखेंगे. Okay.
नेक्स्ट इन SR5 वी कैन सी द कैरेक्टर्स. व्हाट आर कैरेक्टर्स? अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं? अ कैरेक्टर इज अ पर्सन और एन एनिमल इन अ स्टोरी. एक स्टोरी में या तो कोई पर्सन कैरेक्टर होता है या कोई एनिमल होता है. हु आर द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी? वाई वी लव ट्रीज. अब अभी हमने एक स्टोरी रीड करी, वाई वी लव ट्रीज. उसमें कौन कौन कैरेक्टर्स थे? यस, राहुल, सीमा, मोहन, पूजा. दीज फोर आर द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. ये क्या थे? हमारे कैरेक्टर्स. ओके, व्हाट आर वन एंड मैनी? वन एंड मैनी क्या होता है? वी एड एन एस एट द एंड टू नेम मोर देन वन थिंग्स. जो भी एक से ज्यादा चीज होती है उसके आगे हम क्या एड करेंगे? एस. यू कैन सी इन योर बुक दैट इज वन एप्पल. हेयर यू कैन से वन पिक्चर. आप एक पिक्चर देख सकते हैं. सो हेयर वी आर सीइंग वन एप्पल. हेयर यू कैन सी फोर एप्पल. इन दिस वी विल एड एस. यहाँ पर हम क्या एड कर देंगे? एस, दैट इज फोर एप्पल्स. एंड यू विल प्रोनाउंस विद एस, फोर एप्पल्स. यस, नेक्स्ट वन इज वन ट्री. दिस वन इज वन ट्री. थ्री ट्रीज. वन बॉय, टू बॉयज. जब वन होता है तब हम नॉर्मल वर्ड लिखते हैं. जब एक से ज्यादा हो जाती हैं वो आइटम्स उसके आगे हम एस यूज कर देंगे. तो वन और मैनी. ओके, लेटर्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. लेटर्स क्या होते हैं? वर्ड्स और सेंटेंसेस क्या? लेटर्स दे मेक साउंड्स. लेटर्स जो हैं वो साउंड्स मेक करते हैं. जैसे कि आर, डी, ई, ह, अ, ट. वर्ड्स क्या है? लेटर्स कम टुगेदर टू मेक वर्ड्स. लेटर्स को जब हम एक साथ रखते हैं तब वो वर्ड्स बनता है. सेंटेंस, वर्ड्स कम टुगेदर टू मेक सेंटेंस. और सेंटेंस क्या होता है? जब हम वर्ड्स को एक साथ रखते हैं वो एक सेंटेंस बनता है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी इन योर बुक दीज आर द लेटर्स. आर, डी, ई, एच, ए, टी. दीज ऑल आर लेटर्स. With these letters we make a word that is red and hat. ये words हो गए. With these words we make a sentence. I have a red hat. हमने एक sentence बनाया. पहले ये letters थे, उससे हमने words बनाए. और जब words बन गए उसके बाद हमने एक sentence बनाया. Students, with this we complete our today's revision. You have to complete worksheet 1 to worksheet 10. All the revision part you have to do in your notebook that is given in workbook. I hope you all have understood. Thank you, students.